नमस्कार साथी, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रोहन। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज तारीख 28 जुलाई, टाइम हो रहा दिन के 12:30 बज रहे हैं। तो अभी लाइव मार्केट ओपन है। तो बेसिकली जो शेयर मेरे रिडार पर रखा है, वो पिछले एक वीक से मैंने इसे वॉच लिस्ट में डाल रखा है। समझते हैं कौन सा शेयर है, कौन सी कंपनी है। तो ये माइन इंडस्ट्री लिमिटेड की कंपनी है। तो बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, पाइपिंग का काम है इनका। ये देख रहे हैं आप वीडियो, ये देखिए मैं कंपनी की वेबसाइट पर हूँ। तो कंपनी आप समझ सकते हैं किस तरह के पाइप मैन्युफैक्चर करती है। ये एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, स्टील के पाइप, स्टील लाइन पाइप्स और काफ़ी वेरियस कार्बन्स के पाइप्स, यानी कई चीज़ों की पाइप्स का डिमांड ये सप्लाई करती है। और काफ़ी डिमांडिंग है कंपनी, काफ़ी अच्छी है कंपनी का वर्किंग समझ सकते हैं, क्योंकि इनका काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा। इनकी डिमांड हमेशा डे बाई डे बढ़ेगी। तो अब कंपनी का मैं ओवरव्यू समझते हैं, कंपनी क्या है ये समझ लिया हमने। कंपनी का माइन इंडस्ट्री का आज जो शेयर अभी लाइव मार्केट ओपन है 4.5% की गिरावट के साथ है, यानी कि आज ये 5% की गिरावट भी हो चुकी है शेयर के अंदर। कैसे सही से मैं इसमें बाय करने का समझते हैं। तो ओपन होता है 140.50 पैसे पे, हाई मारता है 140.85 पैसे के, लो मारता है 132.50 पैसे के, मैंने बताया ना। तो ये 5% अपना डाउन मार चुका आज। तो इसका 52 हाई, आज की डेट में 52 हाई तोड़ा है 140.85, और 52 लो है इसका 24.85 पैसे। देखिए, तो कंपनी का ये ओवरव्यू हो गया शेयर का कि किस उसमें ट्रेड में बाय कर रहा था ये, यानी ट्रेडिंग करी इसने, ठीक है। आज इसने अपना 52 हाई तोड़ा है, तो क्या इसमें सही समय इसमें बाय करने का ये भी समझते हैं। तो मैं स्कैनर की साइड पर आ चुका हूँ, ये देखिए स्कैनर की साइड पर। तो कंपनी की मार्केट कैप है, कंपनी 808 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप है, बुक वैल्यू अच्छी है शेयर की, ROC भी सही है, डिविडेंड भी दे रही कंपनी, कंपनी का फेस वैल्यू भी सही है, ठीक है। तो कंपनी का ओवरव्यू कंपनी सही है, ये समझ आ गया। कंपनी देखिए, कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 0.97 बुक वैल्यू से, ठीक है। कंपनी अपने रिजल्ट जो यानी क्वार्टर बाई क्वार्टर कंपनी रिजल्ट अच्छे दे रही है, ये समझते हैं भाई कंपनी का। और भी समझते हैं, ये देखिए इसके क्वार्टर बाई क्वार्टर, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर से रिजल्ट प्रॉफिट कम दिया, मगर प्रॉफिट मेकिंग है कंपनी, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी लायबिलिटी से कंपनी के ऊपर, ये देखिए कंपनी पे 985 करोड़ की लायबिलिटी से, ये कोई बात नहीं। देखिए कंपनी का धंधा है तो ग्रो करेगी, तो लायबिलिटीज तो होगी, कर्जे तो होंगे, वो धीरे धीरे कम भी कर रही है कंपनी। अब देखते हैं ये ईयर बाई ईयर, ये 2017 के बाद से, ये देखिए 2017 से एवरी ईयर प्रॉफिट मेकिंग चल रही है कंपनी, यानी कंपनी एवरी ईयर प्रॉफिट दे रही है, डिविडेंड भी पेइंग कर रही है कंपनी, ऐसा नहीं है। तो ये मैं मान टिकट टेप की साइड पर आ चुका हूँ, ये देखिए कंपनी का मैंने बताया था ना ईयर बाय ईयर। और ये देखिए कंपनी का वर्किंग क्या है, बिल्डिंग प्रोडक्ट पाइप्स, ये हो गया। तो मान इंडस्ट्री को क्या सही से हमें बाय करना है, चार्ट के अकॉर्डिंग में समझते हैं। पहले मैं इसका फाइनेंशियल दिखा देता हूँ आपको, और भी जो आपको समझ आएगा, प्लीज़ वीडियो का पूरा देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप चैनल पर आप नए हैं तो। ये देखिए कंपनी, ये देखिए DPS यानी डिविडेंड, अभी इसने लास्ट ईयर यानी 2021 में इसने अभी 2 रुपये का डिविडेंड भी दिया, या डिविडेंड भी दे रही कंपनी के अंदर, यानी कि कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, सब कुछ दे रही है कंपनी, सही समय बाय इसको बाय करके पैसे बने रही है। अब मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है मैंने इसमें, ये देखिए डेली चार्ट पे इसके, ये देखिए इसका 108 रुपये इस पर इसने ब्रेकआउट दिया था, जब से ये अप ट्रेंड की तरफ है, ये देखिए किस तरह से अप ट्रेंड की तरफ है ये। कल इसने इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल ट्रेड करी थी हैवी वॉल्यूम के साथ, ये देखिए अप ट्रेंड की तरफ है, अभी इस कैंडल को ब्रेक नहीं करा है। और इसका 126 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करिए, इसमें जो 2 टारगेट के लिए आप बाय करिए लॉन्ग टर्म के पर्पज से मेरे को, क्योंकि इसमें डेफिनेटली से चार्ट जिस तरह से चल रहा है, चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें पहला टारगेट 150 रुपये का, 150 रुपये का, दूसरा टारगेट 180 रुपये का, इन 2 टारगेट से बाय करके पैसे बने रहेंगे। तो देखिए अब ट्रेंड की तरफ है, इसका MACD भी अब ट्रेंड के, RSI इसका ओवरबॉट से आज नॉर्मल आ चुका है अभी, ठीक है। तो ये इसका वीकली चार्ट समझते हैं, वीकली चार्ट पे देखिए आप इसके, ये इसका वीकली चार्ट ओपन, देखिए वीकली चार्ट पे भी अब ट्रेंड की तरफ है ये, यानी कम चार्ट हमें अप ट्रेंड की तरफ बता रहा है, चार्ट अपने तीन साल के हाइस पे चल रहा है। ये देखिए वीकली चार्ट भी इसका अप ट्रेंड की तरफ है, MACD RSI यानी कि सब कुछ हमें अप ट्रेंड की तरफ है, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ट पे भी देखिए एवरी वीक, यानी कि 21 जून के बाद से वीकली चार्ट जो बना है ये सारा अप ट्रेंड की तरफ है। ये देखिए इसका मंथली चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए मंथली चार्ट पे भी देखिए
यानी कि मंथली चार्ट पे से ब्रेकआउट आया था 1 अक्टूबर 2020 से, ये अप ट्रेंड की तरफ है, यानी इसमें अभी भी और अप ट्रेंड है, क्योंकि ये देखिए मैंने बताया था ना आपको, ये अपने 3 साल के हाईस पे घूम रहा है, यानी 2018 के बाद से ये अप ट्रेंड की तरफ है। तो डेफिनेट इसमें बाय करके पेशेंस साथ बने रहेंगे और अपने पैसों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।